हिमाचल प्रदेश कुल्लू के रहने वाले शहीद पैरा कमांडो बालकृष्ण का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव पोइंट में किया गया। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए उनका पार्थिव शरीर कुल्लू पहुंचा और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सेना के चौपर से शहीद बालकृष्ण का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचाया गया था। वहीं प्रशासन ने लॉकडाउन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वहां ज्यादा भीड़ नहीं जुटने दी थी। आपको बता दें कि 24 साल के बालकृष्ण की शादी जून में होनी थी। ऐसे में उनकी माता का अपने बेटे की शादी को लेकर सपना अधूरा रह गया। शहीद बालकृष्ण के परिवार वालों को रविवार रात को सूचना मिली थी कि बालकृष्ण कश्मीर के बांदीपोरा जिले के केरन सेक्टर में एलओसी पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ में देश के लिए शहीद हो गए हैं। शहीद का छोटा भाई कहर सिंह भी पंजाब रेजिमेंट में कश्मीर में है। हिमाचल बीजेपी के सीएम जयराम ठाकुर समेत उपाध्यक्ष राम सिंह, सदर विधायक सुंदर सिंह, कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री सत्यप्रकाश ठाकुर, जिला पार्षद अध्यक्ष रोहिणी चौधरी, बंजार और आनी के विधायक सुरेंद्र, किशोरीलाल सागर समेत दूसरे पंचायत प्रतिनिधियों ने भी शोक जताया है। न्यूज़ डेस्क।